वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग। तो क्या है पूरा इंफॉर्मेशन, चलिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगा जो मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा देंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको जल्द जल्द मिले। देखिए आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, जिसे शॉर्ट में IIT पटना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वैकेंसी निकल के आई थी 8 जनवरी 2020 को, नोटिफिकेशन है। अब बहुत तरह का इसमें पोस्ट था, ठीक है, पोस्ट तो इसमें बहुत तरह का था, लेकिन मैं आपको ऑफिशियली जिस पोस्ट का आप इंतजार कर रहे हैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हाँ देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड जो है 04A है, पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट ब्रैकेट में सेंट्रल इंस्पेक्टर फर्स्ट लेवल थर्ड है। कैटेगरी जो दिया हुआ है UR के लिए, जनरल के लिए मात्र एक सीट, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इसमें कह रहा था कि बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन विथ डिप्लोमा इन सैनिटेशन या पब्लिक हेल्थ या सेंट्रल इंस्पेक्टर कोर्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट प्री ईयर ऑफ डिप्लोमा या सेंट्रल इंस्पेक्टर कोर्स शुड बी ऑफ मिनिमम 1 year विच वुड बी काउंटेड टुवर्ड्स एक्सपीरियंस, ठीक है। और डिजरेबल में भी दिया हुआ है एक्सपीरियंस इन IIT प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक IIT, ठीक है, IISc, NIT एंड सिमिलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो एक सिंपल सा क्वालिफिकेशन था और इसका जो नोटिफिकेशन था वो 8 जनवरी 2020 को दिया गया था, ठीक है। तो अभी तक जो है अगर अपडेट की बात की जाए, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग जाकर देखें तो कोई अपडेट नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं, ज़रूर अपने स्तर से कोशिश करने गए कि आखिर क्यों डिले हो रही है, इतना डिले क्यों हो रहा है। अभी तक जो है 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। तो सारे कैंडिडेट से मैं चाहूँगा जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे रिगार्डिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना IIT पटना, वो सारे कैंडिडेट जरूर इसके लिए आप बाय ईमेल, बाय टेलीफोनिक, बाय स्पीड पोस्ट आप जो है लिखना शुरू करें, जो जल्द से जल्द जो है डेट निकले एग्जामिनेशन का और जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम होने के बाद आप सेलेक्ट हो और आपका जो है ज्वाइनिंग मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैंडिडेट हैं IIT कैंडिडेट हैं वो इस पर ध्यान देंगे। सारे जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे और ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात की जाए तो ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश करूँगा www.iitp.ac.in। तो आप जो है ज़रूर अपने स्तर से इसके लिए आप एक्टिव हों, जो जो कैंडिडेट अप्लाई किए हुए थे, चूँकि समय बहुत कम है और 1.5 साल होने जा रहा है लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया गया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लाइफ को सेटल करने के लिए कि जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम हो और जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग हो। थैंक यू वेरी मच।